सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे iPad 9 जनरेशन में iOS 17.5 का BGMI टेस्ट। कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी XR की और 13 की, जिसमें कि मैंने दोनों ही फोन को टेस्ट कर दिया था लेटेस्ट अपडेट पे, यानी कि इस अपडेट पे। एंड आज हम करने वाले हैं BGMI टेस्ट iPad 9 जनरेशन पे। आप लोग देख भी सकते हो मैंने अपडेट कर लिया है और मैं इसको पिछले दो दिन से यूज कर रहा हूँ, मतलब कि दो दिन तो पूरे नहीं हुए, दो दिन होने वाले हैं। तो कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, BGMI कैसा चल रहा है, और टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि लैग रहा या फिर नहीं हो रहा। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और अभी फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहां पे टाइम और बैटरी देख सकते हो, तो बैटरी हो रही है 100% और टाइम हो रहा है 11:35। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना एंड अभी हम आधे घंटे तक गेम प्ले करेंगे और आधे घंटे बाद में आपको बताऊंगा कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे खेलते हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी आप लोग बैटरी देख सकते हो 94% पे हमारी बैटरी आ चुकी है और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई 12:07 हो रहे हैं, यानी कि हमको खेलते हुए 32 मिनट हो चुके हैं, आधे घंटे से ज्यादा ही हो चुका है। वैसे बस 2 मिनट ज्यादा हुई है तो इतना कुछ टाइम तो ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन हाँ हम आधा घंटा मान के चलते हैं, 32 मिनट ही मान के चल लेते हैं। तो इन 32 मिनट में हमारी बैटरी गई है बस 6%। तो देखा जाए ना तो बैटरी यहाँ पे सही चल रही है और कुछ कुछ बंदे ना भाई नीचे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई आपकी बैटरी आधे घंटे में 6% ड्रॉप हो रही है, ये तो ज्यादा है। तो भाई ये ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे iPad की बैटरी हेल्थ है 90%। वैसे iPad में बैटरी हेल्थ दिखती नहीं, लेकिन मैंने जुगाड़ लगा के देखी हुई है और आपको भी अगर देखनी हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लेना और फिर आप भी बैटरी हेल्थ देख पाओगे अपने iPad की। तो भाई इतनी बैटरी हेल्थ के साथ में इतनी बैटरी ड्रेन होती है iPad 9 जनरेशन में। और रही बात इस आधे घंटे की परफॉर्मेंस की और iOS 17.5 की, तो पहले बात करते हैं हीटिंग की। तो भाई हीटिंग मेरे को पहले जैसी ही देखने मिल रही है iPad 9 जनरेशन में, जबकि मेरे को iPhone XR में और iPhone 13 में हीटिंग पहले से कम देखने मिल रही है। लेकिन इन 32 मिनट्स में मेरे को यहाँ पे iPad 9 जनरेशन पे सेम ही हीटिंग देखने मिल रही है पहले जैसे। तो हो सकता है कि मेरे को अभी ही ज्यादा लग रही हो या फिर बाद में भी और ज्यादा लगे, लेकिन हाँ हीटिंग यहाँ पे पहले जैसे ही लग रही है मेरे को इस वाले iPad पे। और रही बात इन 32 मिनट्स की परफॉर्मेंस की कि लैग हुआ या फिर नहीं हुआ और परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसे मिली, तो देखो लैग तो मेरे को यहाँ पे एक बार भी देखने नहीं मिला। और सही बताऊं ना तो पहले वाले अपडेट में यानी कि iOS 17.4 पे और 17.4.1 पे बहुत ज्यादा लैग हो रहा था, मतलब सही में भाई मैं फायर भी कर रहा था ना तो भी लैग हो रहा था, लेकिन अभी वैसा लैग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज देख के भाई मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई पहले जैसा लैग तो एटलीस्ट नहीं हो रहा। और लैग अभी मेरा हुआ भी नहीं इस आधे घंटे में, बस मेरे को 2-4 बार फ्रेम ड्रॉप ही देखने मिले और रेंडर इशू भी मेरे को 5-6 बार देखने मिला। तो यार इतना तो चलता ही है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था भाई, फायर करने पे भी लैग हो रहा था पिछले अपडेट में। तो ये था मेरा आधे घंटे का एक्सपीरियंस है एंड अभी आगे गेम प्ले करते हैं। और आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए आपके किसी भी iPad पे, और अपने दो दिन का भी पूरा रिव्यू दूंगा बैटरी ड्रेन का और लैग कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा सब बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को।
तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे खेलते हुए 1 hour कंप्लीट हो चुका है iPad 9 जनरेशन पे। और अभी आप लोग यहाँ पे टाइम और बैटरी देख सकते हो, तो टाइम हो रहा है 12:36 है और बैटरी हमारी आ चुकी है 82% पे। तो यहाँ पे हमारी एक घंटे में बैटरी जो की गई है वो गई है यहाँ पे 18%। और देखा जाए ना तो भाई नॉर्मल ही बैटरी हमारी चल रही है, जैसे पहले ड्रेन हो रही थी वैसे ही ड्रेन हो रही है। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, मेरे iPad की बैटरी हेल्थ है 90%। अब जिन बंदों ने स्किप कर दी होगी वीडियो उनको नहीं पता चलेगा कि भाई मैंने बैटरी हेल्थ कैसे देखी iPad 9 जनरेशन की। तो बैटरी बैकअप में मेरे को यहाँ पे उतनी कुछ कमी तो नहीं लग रही है, बैटरी पहले जैसी ही चल रही है iOS 17.5 पे भी। लेकिन ये मैं बस गेम की बात कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मल iPad चलाने पे, iPhone 13 चलाने पे, iPhone XR चलाने पे मेरे को बैटरी बैकअप में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है। मतलब कि YouTube चलाने पे, Insta चलाने पे एंड और भी कई सारी ऐप चलाने पे बैटरी बैकअप मेरे को पहले से ज्यादा अच्छा मिल रहा है iPad पे भी और iPhone पे भी। और जिन भी बंदों ने iOS 17.5 पे अपडेट करके मेरे को रिव्यू दिया सबको ऐसे ही बैटरी बैकअप मिल रहा है, मतलब कि पहले से अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका बैटरी बैकअप ना इंप्रूव नहीं हुआ है। तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ और जितने मेरे को रिव्यूज आए उस हिसाब से 90-95% लोगों को बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है इस अपडेट पे। और बाकी रही बात अभी परफॉर्मेंस की, तो इस एक घंटे में मेरे को यहाँ पे ना फ्रेम ड्रॉप्स और रेंडर इशू काफी देखने मिला। लेकिन भाई सही बताओ ना तो iOS 17.4.1 से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्योंकि पहले तो मेरे साथ ना ऐसा हो रहा था कि भाई मैं फायर भी कर रहा हूँ ना तो भी लैग हो रहा है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ गाड़ी चल रही है तो भी लैग हो रहा है बिना बात के। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी पिछले वाले अपडेट पे। और BGMI का हाल तो आपको पता ही है भाई, कितना ज्यादा बग गया है, कितने ग्लिचेज है, गेम क्रैश होता है, ये वो फलाना धमाका। और जो मैंने आपको लास्ट में क्लिप दिखाई वो क्लिप 2 घंटे बाद की क्लिप थी, मतलब सिर्फ मैंने 1 घंटे तक नहीं खेला, मैंने लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे तक खेला और वो क्लिप 2 घंटे के बाद की क्लिप थी। तो देख सकते हो भाई कि 2 घंटे के बाद में हमको यहाँ पे ऐसा रेंडर या फिर हल्का फुल्का सा लैग देखने मिला था। और जब से अपडेट आया ना तब से मैं इसमें 2 बार खेल चुका हूँ BGMI, मतलब कि मैं कल भी थोड़ा सा खेला था और आज ही मैंने जब ये टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने खेला। तो परफॉर्मेंस मेरे को यहाँ पे जरूर से पहले से तो इम्प्रूव लग रही है मेरे एक्सपीरियंस से। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप iOS 17.5 को अपडेट कर सकते हो अपने iPad पे। और बाकी अगर आपको डर हो कि भाई रेंडर हो रहा है और फ्रेम ड्रॉप भी हो रहा है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, तब आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर आपका iPad सही चल रहा हो तो अपडेट मत भी करना, क्योंकि भाई क्या पता फिर रेंडर इशू वगैरह चालू हो जाए। लेकिन अगर आपका iPad मेरे जैसे लैग कर रहा हो ना, मतलब कि मेरा तो पहले ऐसे लैग हो रहा था ना कि फायर करते भी लैग हो रहा है, तो तब आप जरूर से अपडेट करो भाई, क्योंकि तब आपका ना लैग बढ़ेगा नहीं उल्टा कम ही होगा भाई, क्योंकि उससे ज्यादा लैग और क्या ही होगा। और बाकी अगर आपको मेरे iPad 9 जनरेशन की सेंसिटिविटी चाहिए हो तो मैंने सेंसिटिविटी वीडियो का लिंक पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें सेंसी कोड भी मिल जाएगा, तो वो वीडियो को जरूर से देख लेना अगर आपको सेंसिटिविटी मेरी चाहिए हो। और यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, चाहो तो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।